एरिकेसी, पामी फैमिली का नया नाम। पाम ट्री आप लोगों ने देखे होंगे, पाम के पेड़ आप लोगों ने देखे होंगे। अपने कॉलेज में भी जब आप एंटर करते हैं तो जो सामने रोड है उसमें दोनों तरफ पाम के ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं। पाम, अगर पेड़ आपको दिमाग में ना आ रहा हो कि पाम कैसा होता है, तो आपने नारियल या खजूर ये सब पेड़ देखे होंगे। तो इन पेड़ों को देखते समय एक बात आपके दिमाग में अगर नहीं आती है तो आनी चाहिए, और वो बात ये है कि इस पेड़ के जो इस पेड़ में इन पेड़ों में ब्रांचिंग नहीं होती, शाखाएं नहीं होती, सीधे एक स्टेम होता है और ऊपर क्राउन ऑफ लीव्स रखा होता है, लीव्स का एक ताज उन स्टेम के ऊपर अग्रभाग पर लगा होता है। तो ऐसे ही हैबिट जो है वो अरेका पाम और पमायरा पाम इन प्लांट्स में पाई जाती है। तो एरिकेसी फैमिली मोनोकॉट की फैमिली है, यानी इन इस फैमिली में जो प्लांट्स आते हैं वो पाम आते हैं और पाम के साथ में मोनोकॉट हैं ये। यानी अभी तक जो आपने फैमिलीज पढ़ी थी उसमें वो सारी डाइकॉट की थी, और डाइकॉट में आपने तीन ग्रुप पढ़े थे। पहला पढ़ा था पॉलीपेटली जिसमें पेटल्स फ्री थे, दूसरा पढ़ा था गैमोपेटली जिसमें पेटल्स फ्यूज थे, और तीसरा कौन सा पढ़ा था अग्रिमा गुप्ता? कौन बताएगा? सर हेट्रोगैमी। तीसरा पढ़ा था आपने मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी जिसमें कैलेक्स और कोरोला दोनों को फ्यूज होते दिखाया गया था, यानी कि दोनों में जो है वो पेरियंथ होता है जब कैलेक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता। तो ये फैमिली जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ये फैमिली है पामी जिसका नया नाम है एरिकेसी। और एरिकेसी फैमिली को कैसे पढ़ते हैं हम? पहली बात तो ये, दिस इज़ यूनिसेक्चुअल फैमिली। अब बताओ मुझे प्रतिमा मिश्रा, यूनिसेक्चुअल फैमिली का क्या मतलब होता है? इसमें सर मेन फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। कौन सी फैमिली पढ़ी है आपने मोनोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल? यूफोरबियेसी और कुकरबिटेसी। वेरी गुड। दूसरी बात यह है कि ये फैमिली मोनोकॉट की है, यानी इसमें एक कॉटिलीडन होगा, और ये 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 फैमिली हम मोनोकॉट की फैमिली पढ़ते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो डाइकॉट के प्लांट्स हैं। जितनी फैमिलीज आज तक हमने पढ़ी थी, कल तक हमने पढ़ी थी, वो सब डाइकॉट की फैमिलीज थी। आज जो हम लोग फैमिली पढ़ने जा रहे हैं वो मोनोकॉट की फैमिली है, फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। तो इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको पढ़ने में आता है क्लास मोनोकॉटिलिडनी, सीरीज कैलाइसिनी और फैमिली पामी। अब खजूर को अपने दिमाग में रखिए, आप नारियल को अपने दिमाग में रखिए, जो समुद्र के तटों पर जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं आपको, उन प्लांट्स पर आप निगाह रखिए। और अब आप इसके स्टेम को पढ़ेंगे तो इसका स्टेम होगा वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड इट इज़ नोन एज काउडेक्स। ये जो सीधा तना होता है, स्टेम होता है, और उसकी टिप पर ब्रांचेस होती हैं, यानी उन पर क्राउन ऑफ लीव्स रखा होता है, पत्तियों का ताज रखा होता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं, ऐसी हैबिट को हम बोलते हैं काउडेक्स हैबिट। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि पाम या खजूर का प्लांट्स देखने में कैसा होता है, और आप उसे समझा रहे हैं कि स्टेम होता है, उसके ऊपर क्राउन ऑफ लीव्स होती हैं, तो आप वो सब ना बोल करके ये बोल सकते हैं कि ये काउडेक्स हैबिट शो करता है। तो ऐसे प्लांट्स काउडेक्स हैबिट वाले कहलाते हैं। क्लियर? अब आती है लीफ।
अभी तक आपने पढ़ा था काउलाइन एंड रैमल, काउलाइन एंड रैमल में आपने, काउलाइन एंड रैमल क्या होता है कौन बताएगा? सर ये लीफ मेन स्टेम के साथ जनरल स्टेम पे होती है। फिर से बताओ। काउलाइन एंड रैमल लीफ मेन स्टेम के साथ जनरल स्टेम पर भी होती है। मेन स्टेम के साथ जर्नल स्टेम पे भी होती हैं। जर्नल स्टेम क्या होता है? जर्नल स्टेम क्या होता है? सॉरी जर्नल ब्रांच, जर्नल ब्रांच नहीं, जर्नल ब्रांच का क्या मतलब है? सामान्य नहीं तो असामान्य ब्रांचेस कौन सी होती हैं? असामान्य शाखाएं कौन सी होती हैं? अरे काउलाइन एंड रैमल का मतलब होता है स्टेम एंड ब्रांचेस दोनों पर लीव्स होती हैं। जनरल ब्रांचेस का क्या मतलब है? लेकिन खजूर में केवल स्टेम पर होती हैं, ब्रांचेस तो है ही नहीं यहाँ। तो जहाँ ब्रांचेस नहीं है वो हैबिट कहलाती है काउडेक्स, और ऐसी लीफ कहलाती हैं काउलाइन। इनके साथ में रैमल नहीं लगा होगा, यानी कि कैसी हुई है? काउलाइन फॉर्मिंग अ डेंस टर्मिनल क्राउन, यानी स्टेम के टर्मिनल पर, एंड पर, अंत पर, अंतिम सिरे पर पत्तियों का क्राउन होता है। और लीफ कैसी होगी? पीटियोलेट, यानी लीफ में पीटियोल भी होगा। और देखिए मोनोकॉट जब आपके सामने आता है तब आपको पता लगता है, अभी तक आप पढ़ते थे रेटिकुलेट वेनेशन, अब पहली बार आपको दिखाई दे रहा है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब हुआ कि प्लांट कैसा है? मोनोकॉट है। तो डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट में ये अंतर होता है कि डाइकॉट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और मोनोकॉट की लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। तो यहाँ चूंकि ये मोनोकॉट का प्लांट है इसलिए आप इसमें पढ़ते हैं पैरेलल वेनेशन। अब आप पढ़िए इनफ्लोरिसेंस। इनफ्लोरिसेंस को अगर आप देखेंगे, ए थिक और फ्लैशी स्पाइक ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स फाउंड ओनली इन वुडी प्लांट्स। इसमें मेन एक्सिस स्वेल कर जाती है, फूल जाती है और फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, और इसमें कलर्ड ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पेथ। कलर्ड ब्रैक्ट का मतलब स्पेथ, और ऐसा इनफ्लोरिसेंस कहलाता है स्पेडिक्स इनफ्लोरिसेंस। तो स्पेडिक्स इनफ्लोरिसेंस पाया जाता है पामी या एरिकेसी फैमिली में। तो ये स्पेडिक्स इनफ्लोरिसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है मोनोकॉट की लीफ में पैरेलल वेनेशन। अब देखिए चूंकि यूनिसेक्सुअल प्लांट है इसलिए हम पहले पढ़ेंगे मेल फ्लावर। मेल फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, सेसाइल होगा, इनकम्प्लीट होगा। बताओ भाई प्रतिमा ये इनकम्प्लीट क्यों होगा? सर इसमें एक फ्लोरल ऑर्गन की एब्सेंस होगी। कौन से? गाइनीशियम। एक्टिनोमॉर्फिक होगा, यूनिसेक्चुअल होगा, स्टेमिनेट होगा एंड ट्राईमेरस होगा, यानी फ्लोरल पार्ट्स तीन या तीन के मल्टीपल में होंगे। तो ब्रैक्टिएट, सेसाइल, स्टेमिनेट, इनकम्प्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक, यूनिसेक्चुअल, स्टेमिनेट एंड ट्राईमेरस। अब इसमें कैलेक्स और कोरोला तो होंगे नहीं, कैलेक्स और कोरोला तो फ्यूज हो गए, यूफारबीएसी में ही फ्यूज हो गए थे। अब देखिए जब कैलेक्स और कोरोला फ्यूज हो जाते हैं तब उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल्स। तो टेपल्स आप देखें कितने दिखाई दे रहे हैं? टेपल्स 6 इन वल्स 2 of 3 ईच, यानी कि तीन तीन के दो ग्रुप होंगे। टोटल टेपल्स होंगे 6 और तीन तीन के दो ग्रुप होंगे। 3 टेपल्स कोनेट,
यानी तीन टेपल तो ज्वाइंट होंगे, जुड़े हुए होंगे, इनर टेपल फ्री एंड ट्विस्टेड, तो तीन जुड़े होंगे और तीन फ्री होंगे, तो टेपल्स होंगे सिक्स, तीन फ्री तीन फ्यूज्ड। अब आती है बात एंड्रूशियम की, तो स्टेमेंस सिक्स होंगे इन टू वर्ल्स ऑफ थ्री ईच, छह स्टेमेन होंगे, तीन तीन के दो ग्रुप होंगे और तीन तीन के दोनों ग्रुप फ्री होंगे, पॉलीएंड्रस होंगे यानी फ्री, डाइथीकस होंगे और इनका गाइनीशियम इनमें एब्सेंट होगा। तो अगर आप मेल फ्लावर को देखें तो यह हुआ ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, स्टेमिनेट, पेरियंथ, थ्री फ्यूज्ड प्लस थ्री फ्री होंगे, एंड्रूशियम तीन प्लस तीन छः के छः फ्री होंगे, गाइनीशियम जीरो, गाइनीशियम एब्सेंट होगा। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई? यस सर। इतनी बात पूरी तरीके से, ये फार्मूला जरा पढ़ो, कौन पढ़ेगा? ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, स्टेमिनेट, पेरियंथ, थ्री फ्यूज, थ्री फ्री, टोटल सिक्स, टोटल सिक्स, पेरियंथ बोलना पड़ेगा, पेरियंथ सिक्स, थ्री फ्यूज, थ्री फ्री। हाँ आगे, एंड्रोशियम सिक्स, फ्री स्टेमिन, थ्री प्लस थ्री, पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस डाइथीकस। अब आया फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर ब्रैक्टिएट, सेसाइल, इनकम्प्लीट, एक्टिनोमार्फिक, यूनिसेक्चुअल, पिस्टिलेट, यानी इसमें केवल पिस्टिल होगा, स्टेमेन नहीं होंगे, ट्राइमेरस, हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर, टेपल्स वही होंगे सिक्स इन टू वल्स ऑफ थ्री ईच, एम्ब्रिकेट और वल्वेट, एंड्रूशियम एब्सेंट होगा, गाइनोशियम ट्राइकार्पलरी, एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर, स्टाइल एब्सेंट, प्लेसेंटेशन एग्जाइल, फ्रूट बेरी, बेरी फ्रूट किसे कहते हैं? मैनी सीडेड फ्रूट। अब बताओ गाइनीशियम कैसा है इसका? ट्राई कार्पेलरी, एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर, स्टाइल एब्सेंट, प्रेजेंटेशन एक्साइल। फ्रूट बेरी। अब इसका फार्मूला पढ़ो। ये फीमेल फ्लावर का फार्मूला है। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, पिस्टिलेट, पेरियंथ सिक्स, थ्री फ्यूज्ड एंड थ्री फ्री, एंड्रोशियम एब्सेंट, ठीक, गाइनीशियम ट्राइकार्पेलरी, एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर एंड प्रेजेंटेशन एग्जाइल। और कोई पढ़ेगा? यस सर। सेजल, प्रतिभा मिश्रा, प्रतिभा पढ़ो। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, पिस्टिलेट, पेरियंथ, टोटल सिक्स, थ्री फ्यू, थ्री फ्री, एंड्रोशियम एब्सेंट, गाइनेशियम, ट्राइकार्पेलरी, एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर, प्रेजेंटेशन एक्साइल। बिल्कुल सही। बताओ मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के फार्मूले में क्या फर्क है?
मेल में गाइनोशियम एब्सेंट और फीमेल में, और फीमेल में एंड्रोशियम एब्सेंट। एंड्रोशियम एब्सेंट, बिल्कुल ठीक। चलिए अब ये बना हुआ है फार्मूला, देखो सबसे पहले बना है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर को देखो, सबसे नीचे ब्रैक्ट, उसके ऊपर एक्टिनोमार्फिक, ये छह टेपल्स बने हैं। देखो तीन टेपल फ्यूज्ड हैं और तीन टेपल्स फ्री हैं, ठीक। उसके अंदर छह स्टेमेन बने हैं, तीन एक सर्किल में हैं, तीन दूसरे सर्किल में हैं, क्लियर। बीच में गाइनीशियम दिखाया गया है, जो गाइनीशियम नहीं होगा क्योंकि ये मेल फ्लावर है, एंड्रोशियम होगा खाली। नीचे फीमेल फ्लावर का फार्मूला है, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, छः टेपल्स, तीन फ्यूज, तीन फ्री, और एंड्रोशियम एब्सेंट होगा, गाइनीशियम ट्राईकार्पलरी, एपोकार्पस, तीनों फ्री होंगे, ओवरी सुपीरियर होगी। तो ये फैमिली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये यूनिसेक्चुअल फैमिली है, ऊपर से ये मोनोकॉट की फैमिली है। तो मोनोकॉट की यूनिसेक्चुअल फैमिली होना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। और एक और अच्छी बात यह है कि यूनिसेक्चुअल होने के बाद भी मेल फ्लावर जो है वो एक्टिनोमार्फिक है, दोनों फ्लावर एक्टिनोमार्फिक हैं, ये बड़ी बात है। तो जो प्लांट आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस। फीनिक्स माने खजूर, फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस मतलब आप डेट पाम, इंग्लिश में कहते हैं डेट पाम, खजूर पढ़ रहे हैं इस समय आप, ठीक है। अब आप देखो इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं। फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस खजूर, अरेका कटेचू कत्था, इलेइस गुइनेंसिस मखाने, ये इसमें काट देना है, इसमें मत लिखना है क्योंकि मखाना जो है वो निम्फिएसी फैमिली में पाया जाता है, तो ये यहाँ पर पता नहीं कैसे लिख गया होगा, कोई और वैरायटी होगी। और कोकास न्यूसीफेरा, अगर तुम एक ही प्लांट, केवल दो ही प्लांट लिखाओ, एक फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस और एक कोकास न्यूसीफेरा, नारियल, गोला, गरी, ये जो आप नारियल से क्या प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है इससे, फाइबर भी प्राप्त होता है, एंडोस्पर्म भी प्राप्त होता है। तो कोकास न्यूसीफेरा, नारियल के जो फाइबर होते हैं वो नारियल के मीजोकार्प से पाए जाते हैं, निकाले जाते हैं, मीजोकार्प से ये नारियल प्राप्त किया जाता है। तो आप दो प्लांट याद रखो इस फैमिली में, सिर्फ फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस खजूर और कोकास न्यूसीफेरा नारियल। अरेका कटेचू कत्था होता है, ये आप ध्यान रखें, चाइना ध्यान रखें। लेकिन और एक ही प्लांट अगर आपको याद रखना है तो आप कोकास न्यूसीफेरा नारियल, यही बार बार याद रखें, यही बार बार पूछा जाएगा आपसे, कोकास न्यूसीफेरा यानी कि नारियल। तो ये फैमिली कुल मिला के आपने देखा यूनिसेक्चुअल है, पुराना नाम इसका पामी है, नया नाम एरिकेसी है, यूनिसेक्चुअल फैमिली है, मोनोकॉट की फैमिली है। फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस को अगर हम देखें तो इसमें इन्फ्लोरिसेंस स्पेडिक्स होता है, स्टेम लीफ काउलाइन होती है, स्टेम की ये हैबिट काउडेक्स कहलाती है, लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है और इन्फ्लोरिसेंस स्पेडिक्स होता है, क्योंकि स्पेडिक्स इन्फ्लोरिसेंस जो होता है वो मोनोकॉट का इन्फ्लोरिसेंस है। मेल फ्लावर को देखें तो इनकम्प्लीट, एक्टिनोमार्फिक, स्टेमिनेट एंड ट्राइमेरस, तीन तीन के मल्टीपल होंगे, पेरियंथ छः होंगे, तीन फ्री तीन फ्यूज्ड, गाइनीशियम एब्सेंट होगा, एंड्रोशियम छः होंगे थ्री प्लस थ्री, और फ्लोरल फार्मूला होगा इसका ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, स्टेमिनेट पी थ्री प्लस थ्री, एंड्रोशियम थ्री प्लस थ्री, गाइनीशियम एब्सेंट। फीमेल फ्लावर को अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि ये ट्राईकार्पलरी होता है, एपोकार्पस होता है और इसकी ओवरी सुपीरियर होती है, प्लेसेंटेशन एग्जाइल, फ्रूट बेरी, ये दोनों के डायग्राम हो गए।
ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, फीनिक्स सिल्वेस्ट्रिस एंड कोकास न्यूसीफेरा। आप सिर्फ एक ही याद रख सकते हैं, कोकास न्यूसीफेरा। दिस इज़ ऑल अबाउट दी फैमिली पामी और एरिकेसी।